बहुत बहुत स्वागत। अपना एमपी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे चुनावी खबरों पर। सबसे पहले चर्चा मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनाव प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हाल ही में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के शोले के जयवीरू से कंपेयर किया है और उस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से तंज कसा गया। ट्वीट करके शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि ये जय और वीरू की जोड़ी है जिसे दिल्ली बुलाया गया है। अब वो कह रहे हैं कि भाजपा भ्रम फैला रही है तो दिल्ली क्यों बुलाया जा रहा है। कांग्रेस के जय और वीरू झगड़ रहे हैं आपस में, लूट के माल के लिए ये लड़ रहे हैं, यही वजह है कि दिल्ली बुलाया गया है। तो बड़ा हमला जय वीरू की जोड़ी बताने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। जय और वीरू की जोड़ी है जिसको दिल्ली बुलाया गया, अब वो कहते हैं कि भाजपा भ्रम फैला रही है। जैसा मैंने अखबारों में देखा, भाजपा भ्रम फैला रही है तो फिर दिल्ली क्यों बुला रही है। जय और वीरू झगड़ रहे हैं आपस में और ये लड़ रहे हैं लूट के माल के लिए। जय और वीरू तो लूटते ही थे, इनका झगड़ा है लूट के माल के लिए। पहले भी 2003 तक मिस्टर बंटा ढार ने पूरे प्रदेश को लूटा, तबाह और बर्बाद कर दिया। सवा साल में श्री कमलनाथ जी ने भी मध्य प्रदेश को लूट का अड्डा बना दिया था। अब आगे कौन लूटे और कैसे लूटे, उसमें हिस्सेदारी कितनी हो, झगड़ा इनका केवल इस बात का है। और दिल्ली भी अब पता नहीं किन मुद्दों पर इनसे चर्चा कर रही, लेकिन असली झगड़ा तो यही है। क्या दिल्ली भी जय और वीरू की जोड़ी पर ये जोड़ी बताई गई और इसे लेकर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। लूट के माल की लड़ाई, इसका उन्होंने जिक्र किया। बीजेपी हर बात में 2003 का जिक्र जरूर करती है। 2003 वो साल है जब कांग्रेस का किला ढह गया और इसके बाद बीजेपी यहां पर आई। बंटाधार शब्द, उसका जिक्र जरूरी है। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा आपको शैलेंद्र के पास लिए चलेंगे। शैलेंद्र, लूट की लड़ाई दिल्ली तक आई और ये सिलसिले अभी चलेंगे शैलेंद्र, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि हर बात में बंटाधार याद करना जरूरी। शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भले ही इस पूरे मसले को लेकर किसी चीफ कमलनाथ दिल्ली से लौटने के बाद सफाई दे चुके हो और वो साफ कर चुके हो कि अनबन जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी को जय वीरू की जोड़ी बताते हैं, तो यही कारण है कि अब इन्हीं किरदारों का उल्लेख करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जय वीरू फिल्म में लूटने का काम करते थे और असल में भी 2003 के पहले दिग्विजय सिंह की सरकार ने लूटा, 15 महीने में कमलनाथ ने लूटा और उस लूट के माल को लेकर दोनों के बीच में ये खींचतान हो रही है और दिल्ली तलब कर रही है कि शायद दिल्ली भी अपना हिस्सा चाहती। ये आरोप जो है वो सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लगाए जा रहे हैं। और जो आपने कहा कि 2003 के पहले की सरकार को 10 साल के दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को 2023 में भी बीजेपी जमकर इस्तेमाल करती है और बताती है किस तरीके से उनके समय में बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, रोजगार नहीं थे, ये तमाम जो मुद्दे हैं वो आज भी जनता को याद दिलाने का काम बीजेपी लगातार करती है। हालांकि इसके पलट अगर मैं बात करूं, साथ ही साथ मुझे लगता है कि मौका तलाशने का प्रयास बीजेपी की तरफ से निरंतर हो रहा है, किसी ना किसी मुद्दे को लेकर निशाना साधना है और कहीं ना कहीं इसी बात का जिक्र है कि कोई और मुद्दा शायद बीजेपी को नहीं मिल रहा है।
देखिए बिल्कुल, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं जैसे वैसे व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं। देखिए कोई भी राजनीतिक दल मुद्दों को लेकर कम बात कर रहा है, व्यक्तिगत हमले ज्यादा हो रहे हैं और उसी की परिणति है कि जिस तरीके से ये बात हो रही है कि लगातार चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे फिर कमलनाथ हो लगातार इस बात को सफाई दे रहे हैं। आपको ध्यान होगा जब कपड़ा फाड़ की सियासत हुई उस समय भी दिग्विजय सिंह ने सफाई दी, कमलनाथ ने भी सफाई दी। जब ये इस तरह की जब बात आई कि आपस में मनमुटाव है तो उसको लेकर दिग्विजय सिंह भी सफाई दे चुके हैं। आज सुबह मीटिंग से लौटने के बाद कमलनाथ ने भी सफाई दी। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को जिंदा बनाए रखना चाहती है, वो इस बात को लगातार एस्टेब्लिश करने में जुटी हुई है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मध्य प्रदेश में जो दो नेता हैं कांग्रेस की अगुवाई कर रहे हैं वो दोनों अपने अपने इलाके के छत्रा पे और दोनों अपने अपने हिसाब से कांग्रेस को चलाना चाहते हैं, चाहे वह टिकट वितरण को लेकर हो, चुनाव प्रचार अभियान को लेकर हो। ये बात जो है वो बीजेपी जो है वो जोर शोर से उठाने में जुटी हुई है। मुद्दों का आपने जिक्र किया शैलन, 10 सेकंड में ये बताएं, इतने दौरे आपने किए, तमाम जो हम प्रोग्राम दिखाते हैं चुनावी, मुद्दे को लेकर पब्लिक का मानस क्या है 10 सेकंड में? इंपॉर्टेंट सवाल यह कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस कोई ट्रेंड सेट कर रही है और बीजेपी उस पर खेल रही है, उस बॉल पर खेल रही है। शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल, देखिए भले ही ये लोग इस तरह के हमले करते हो लेकिन जमीन पर अगर हम देखें तो जनता के मुद्दे वही है जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात होती है। उसके लिए आज भी बिजली मुद्दा है, उसके लिए आज भी सड़क मुद्दा है, उसके लिए आज भी रोजगार मुद्दा है, अच्छा स्वास्थ्य मुद्दा है, अच्छी शिक्षा मुद्दा है। ये मुद्दे जो है वो जमीन पर है और जो वोटर्स है उसके मन में है कि इन्हीं मुद्दों को लेकर मतदान करना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है, लेकिन कई बार ये भी देखने में आता है कि सड़क बनवा दी, बिजली कर दी, तो ये सब काफी नहीं है। रोजगार भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए और अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए। ये लोगों की मांग जो है वो लगातार इलाकों से निकलकर सामने आती है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे और दिल्ली के दौरे से आकर भी शैलेंद्र ने जैसे जिक्र किया अवंतिका, दिल्ली दौरे से आकर कमलनाथ ने भी यही बातें कही हैं। निश्चित तौर पर कमलनाथ ने क्या कहा है ये भी सीधे मुंह आपको बताएं कि इस तरह से कोई मनमुटाव नहीं है, सीधे स्पष्ट करते हुए नजर आए। साफ शब्दों में कहा है कि किसी प्रकार की कोई अनबन दोनों के बीच नहीं है, मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर बातचीत हुई है। लगातार बीजेपी हमलावर, लेकिन सीधे शब्दों में जवाब कांग्रेस की तरफ से भी कि कोई मनमुटाव नहीं है, महज दौरे को लेकर बातचीत करने के लिए दिल्ली तलब किया था। महत्वपूर्ण बैठक हुई सर, क्या रणनीति बना रहे हैं? महत्वपूर्ण बैठक हम तो बना रहे थे कि दौरा राहुल जी का, प्रियंका जी का, खड़गे जी के, इस विषय में हमारी मीटिंग हुई। सर कुछ नाराजगी थी वो खत्म हो गई? नाराजगी की तो बात ही नहीं थी, ये तो दौरों की बात थी। और सीधी सांसद रीति पाठक की बात करेंगे जिन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए, कांग्रेस पार्टी को कीड़ा मकोड़ा बता दिया है। और एक देसज शब्द का वो इस्तेमाल करती हैं, बघेलखंड का ये इलाका है, सुसुक सुसुक के टूट जाएगी कांग्रेस। सीधी से विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं रीति पाठक, बतौर सांसद इन पर जिम्मेदारी थी, अब विधानसभा की जिम्मेदारी। ये वही सीधी पेशाब कांड वाला शुक्ल अलग नाराज चल रहे हैं, इन सब के बीच कांग्रेस पर हमलावर है रीति पाठक। है कि नहीं? अब भारतीय जनता पार्टी में वोट डरबे तो तुम्हारो फ्यूचर ठीक है, तुम्हारो भविष्य ठीक है, परिवारों ठीक रही और मनाई के थोड़ा का मनो मस्तिष्क ठीक है। क्या ऐसे कि पार्टी राइटी बची नहीं आ? अब हमारे देश में पार्टी बची नहीं आए, अब जैसे सुसुक सुसुक के सुसुक सुसुक किरवा नहीं दबी जाए ऐसे वक्तत रहते है। वही मेरे के भारतीय ये कांग्रेस पार्टी जो है ओखर बचा है जीवन के अंतिम लीला। और अब भोपाल से बड़ी खबर, चुनावी दौर में दल बदल का खेल जारी है, तीन नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। रीवा से जनपद अध्यक्ष हैं विकास तिवारी, हरदा से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जैन और सीहोर से जसपाल अरोड़ा कांग्रेस में शामिल। कमलनाथ की मौजूदगी में सदस्यता हासिल की कांग्रेस पार्टी की तमाम ऐसे नेता है जो की जमीनी स्तर पर पकड़ काफी मजबूत रखते हैं और हो सकता है कि पार्टी को फायदा भी इसका हो क्योंकि प्रचार प्रसार भी लगातार चल रहा है। पहले माना जा रहा था कि टिकट की आस में दल बदल चलता है लेकिन नामांकन की प्रक्रिया तो खत्म हो गई है, दल बदल अभी भी जारी है। कांग्रेस में कई नेताओं के शामिल होने की खबरें और उसके साथ साथ कुछ नेता ऐसे भी जो जमीनी स्तर पर काफी सक्रियता के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, यही प्रण आज कमलनाथ की मौजूदगी में इन तीनों प्रमुख नेताओं ने लिया भी। रीवा से जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी, हरदा से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जैन और सीहोर से जसपाल अरोड़ा कांग्रेस में शामिल।
आगे बढ़ते हुए बात भिंड की करेंगे, जहां बीजेपी और बसपा प्रत्याशी पर केस दर्ज हो गया है। आपको बताया कि आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप दोनों पर लगा है। भिंड के भाजपा और बसपा प्रत्याशी पर मामला दर्ज हुआ, आचार संहिता का उल्लंघन किया है, ये गंभीर आरोप है। बिना अनुमति के वाहनों का प्रचार प्रसार में इस्तेमाल किया जा रहा था। गाड़ी अगर आप लगा रहे हो उसका हिसाब देना है, तकिया यूज कर रहे हो उसका हिसाब देना है, मिठाई खिला रहे हो, समोसा खिला रहे हो, जलेबी भी खिला रहे हो, चाय पिला रहे हो, हर चीज का देना है हिसाब। बिना हिसाब के तो कुछ चल नहीं पाएगा। हिसाब दिया नहीं गया, गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था। बीजेपी के प्रत्याशी नरेंद्र कुशवाहा, बीएसपी प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवाहा, FIR दर्ज की गई है दोनों के खिलाफ। धारा 341-188 के केस दर्ज हुआ है और आखिरी दिन इन्होंने रैली निकाली, शक्ति प्रदर्शन किया, कई जगह जाम के हालात बन गए। ये तमाम चीजें जिसे आयोग ने नोटिस किया है। और अब दिलचस्प और रोचक तस्वीरों की बात करेंगे। इंदौर से चुनाव की रोचक तस्वीरें आई हैं। वैसे तो अवंती का हर जगह से रोचक तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के समर्थन में आकाश ने बनाए हैं दीपक, मतलब दिए बना रहे हैं वो। तो ये आप तस्वीरें देखते रहिए। आकाश विजयवर्गीय को आप देख रहे हैं कि नेता अपने वोट के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे, और इसी प्रकार का नजारा मंत्री तुलसी सिलावट के पास भी देखने को मिला। जमीन पर बैठकर वोट मांगे, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रत्याशी महेंद्र हाडिया को मालाओं से ढक दिया गया, अलग अलग जगह अलग अलग तस्वीरें हैं। मंत्री तुलसी सिलावट वोट मांगने गए, लाडली बहनों के साथ बैठे, लेकिन जमीन पर बैठकर ही वोट की अपील कर दी। महेंद्र हाडिया का भी जमकर स्वागत। तीन प्रमुख तस्वीरें फिलहाल चुनावी रंग जिसमें आपको देखने को मिलेगा। आकाश विजयवर्गीय मिट्टी के दीपक बना, ये तस्वीरें महेंद्र हाडिया से जुड़ी हुई। कार्यकर्ता इतने जोशीले, इतने उत्साह में माला पे माला पहनाते गए और महेंद्र हाडिया मालाओं से पूरी तरह से ढक गए। राजनीति के वर्ल्ड कप में क्रिकेट के स्टार खिलाड़ियों के नाम पर भी सियासत शुरू हो गई है। सांवेर कांग्रेस प्रत्याशी रीना बौराशी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को विराट कोहली, दिग्विजय सिंह को रोहित शर्मा बता दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम शिवराज को राजनीति का धोनी, कैलाश विजयवर्गीय को हार्दिक पांड्या बताया। इस पर रीना बौराशी कह रही है धोनी रिटायर हो चुके हैं, 2023 में राजनीति के धोनी भी रिटायरमेंट ले लेंगे। कांग्रेस के रोहित और कोहली दोनों मिलकर मध्य प्रदेश में लगाएंगे दोहरा शतक। रीना बौराशी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं, तो अब सियासत की पिच पर क्रिकेट सितारों के जरिए वार पलटवार हर कोई गुगली फेंक रहा है, कोई बाउंसर मार रहा है। कमलनाथ जी को मैं बोलना चाहूँगी कि वो क्रिकेट के विराट कोहली जी है, और माननीय दिग्विजय सिंह जी को मैं बोलना चाहूँगी कि वो रोहित शर्मा हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आजकल कोहली और शर्मा चल रहे हैं, वैसे ही कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी चल रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि 230 का टारगेट है, कितने के स्कोर से जीतेंगे? बिल्कुल 200 से ऊपर ही जाएगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे हम, और जिस तरीके से जो पिछली बार हुआ है वो हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में हमारे पास सीट आएगी कि एक तरफा पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी। दोनों खिलाड़ी मिलके दोहरा शतक लगाने वाले हैं? बिल्कुल, हम लोग उनके साथ, हम लोग सब हैं, हमारी पूरी 230 विधानसभा के हर विधानसभा में सारे जितने भी प्रत्याशी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, तो हमारा पूरा टारगेट है कि हम 200 से ऊपर आएंगे। बिल्कुल मान्य। एक अहम खबर का जिक्र करेंगे। भिंड में IT इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गल्ला व्यापारी के ठिकाने पर दी है दबिश। गल्ला व्यापारी के ठिकाने पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची, स्थानीय पुलिस भी पहुंची, व्यापारी से पूछताछ की जा रही है। आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों में सवार होकर IT की टीम आई। मामला देहात थाना क्षेत्र के अटेर रोड से जुड़ा हुआ बताया गया है। भिंड से खबर हम आपको बता रहे हैं। IT की रेड पड़ी है, आधा दर्जन से अधिक वाहनों पर सवार होकर IT के अधिकारी पहुंचते हैं दिन दहाड़े, और उसके बाद दस्तावेजों को खंगालने का सिलसिला शुरू होता है। गल्ला व्यापारी के यहाँ पर रेट पड़ना अभी तक स्पष्ट हुआ है।
क्या कुछ मिला है ये ऑफिशियल स्टेटमेंट के जरिए स्पष्ट हो पाएगा, जिसका इंतजार अभी भी किया जा रहा है। स्थानीय पुलिस भी पूछताछ लगातार कर रही है गल्ले व्यापारी से। भिंड में गल्ला व्यापारी पर आईटी की रेड पड़ना, आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों पर अधिकारी यहां पहुंचे और व्यापारी के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई चल रही है। हो सकता है कि शिकायतें मिली हो, उन्हीं के आधार पर जानकारी जुटाने। वैसे भी आचार संहिता लागू होने के बाद अवंतिका बहुत ज्यादा एक्टिव ये महकमे रहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव होता है, पुलिस बहुत एक्टिव होती है, क्योंकि सारा एक तरह से प्रशासनिक तंत्र जो है वो आयोग आयुक्त के दिशा निर्देशों के हिसाब से चलता है। यही वजह है कि हर चीज को एक तरह से चुनाव से भी जोड़कर देखा जाता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम अगर गल्ला व्यापारी के यहाँ पहुंची, आधा दर्जन गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां, एसयूवी एसयूवी गाड़ियां हैं, एक गाड़ी में सात के हिसाब से भी देखें तो लंबी चौड़ी ये टीम हो जाती है। जाहिर तौर पर एक बड़ी लीड या बड़ा सर्वे और उसके आधार पर ही ये कार्रवाई हो रही है। और बात करेंगे इंदौर से बड़ी खबर की, जहां अलीराजपुर कलेक्टर पर केस दर्ज हो गया है। अभय बेटे कर पे लोकायुक्त ने दर्ज किया है केस। इंदौर के एसडीएम रहे थे अभय बेटे कर, तथ्यों की जांच के बगैर एफआईआर दर्ज की थी। लोकायुक्त ने प्रारंभिक जांच के बाद संज्ञान लिया। तो बड़ा मामला ये, कलेक्टर टीआई पर भी केस दर्ज हुआ है। त्रिशिला गृह निर्माण सहकारी संस्था ने इस बात की शुरुआती तौर पर शिकायत की थी। इंदौर के एडीएम रहे अभय बेडेकर पर मामला दर्ज। अलीराजपुर कलेक्टर है, फिलहाल अलीराजपुर की जिम्मेदारी है, और कलेक्टर तहसीलदार टीआई पर भी केस दर्ज। ये पूरा मामला त्रिशिला गृह निर्माण सहकारी संस्था से जुड़ा हुआ है। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, ग्वालियर में धमाका हुआ, पटाखों के चलते विस्फोट की जानकारी अब तक मिली है। रात में खाना बनाते वक्त अचानक से धमाका हो गया, घर के अंदर अवैध पटाखों का भंडारण किया गया था, इसी के चलते धमाके की बात शुरुआती जानकारी में मिली है। गंभीर घटना की ब्लास्टिंग के दौरान मकान की छत गिर गई, घर में रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। एक महिला जिसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर भी अस्पताल में इलाजरत है। घर के अंदर रखे हुए भारी मात्रा में अवैध पटाखे अचानक से ब्लास्ट इन्हीं में और इसी के चलते ये स्थिति बनी है। शंकर कॉलोनी की घटना है, जनकगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला। मामले की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई। और महिला व्यापारी से जीरे के कारोबार के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। 1 करोड़ की ठगी करने वाली महिला को क्राइम ब्रांच ने सूरत से गिरफ्तार किया। रुपए लेने के बाद भी माल नहीं भेजने पर क्राइम ब्रांच में शिकायत हुई और उसके बाद संज्ञान लेने के बाद इस महिला को पकड़ा गया। इसी से अंदाजा लगा लीजिए पुलिस कितनी तत्पर थी। 10,000 का इनाम भी इस पर घोषित किया गया था। रूपल इसका नाम है और काम देखिए क्या है, रूपल जीरे के नाम पर ठगी कर रही है। रूपल पर यह नाम घोषित किया गया था। क्राइम ब्रांच थाना पुलिस अभी भी इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है, बाकी तथ्य तलाशे जा रहे हैं। और 1 करोड़ की ठगी करने वाली महिला रूपल गिरफ्तार। आरोपी रूपल पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। क्राइम ब्रांच ने यह पूरी कार्रवाई की है, सूरत से गिरफ्तारी हुई है, गुजरात के सूरत से। और आइए अब देखेंगे इलेक्शन टॉप 10। एमपी में बीजेपी के दिग्गजों के हाथों में प्रचार की कमान। नवंबर को पीएम मोदी रतलाम में भरेंगे हुंकार, 3 नवंबर को रीवा में जेपी नड्डा करेंगे जनसभा को संबोधित। सीधी से बीजेपी प्रत्याशी रीति पाठक के बिगड़े बोल, कांग्रेस पार्टी को बताया कीड़ा मकोड़ा, कहा सुसुक सुसुक के और टूट जाएगी कांग्रेस। सीएम शिवराज आज प्रचार में झोंकेंगे ताकत, रतलाम के जावरा में आमसभा को करेंगे संबोधित, आगरमालवा में राणा विक्रम सिंह के लिए मांगेंगे वोट। दिल्ली के बाद भोपाल में हो रही कांग्रेस नेताओं की बैठक, दिग्विजय सिंह और भंवर जितेंद्र सिंह भी बैठक में मौजूद, चुनाव प्रचार को लेकर बनाई जा रही रणनीति। दिल्ली दौरे पर बोले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, कहा दिग्विजय के साथ कोई मनमुटाव नहीं, मीटिंग में राहुल और प्रियंका के दौरे पर हुई चर्चा। भिंड में बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र कुशवाहा और बीएसपी प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवाहा पर केस दर्ज, आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप, बिना अनुमति वाहनों का किया प्रयोग। सियासत में क्रिकेट के खिलाड़ियों की एंट्री, सांवेर से कांग्रेस प्रत्याशी रीना बौरासी ने पूर्व सीएम कमलनाथ को बताया विराट कोहली और दिग्विजय को बताया रोहित शर्मा।
सीएम शिवराज ने कसा कमलनाथ और दिग्विजय पर तंज, कहा ये जय वीरू की जोड़ी जिसे दिल्ली बुलाया गया। कांग्रेस के जय वीरू झगड़ रहे आपस में लूट के माल के लिए। भोपाल में आम आदमी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, शामिल है 35 नाम, केजरीवाल और भगवंत मान का नाम शामिल। पर दो नेता ले सकते कांग्रेस की सदस्यता, जसपाल सिंह और विकास तिवारी समर्थकों के साथ कांग्रेस में हो सकते शामिल। और इसी के साथ अपना एमपी में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 18।